यूपी में रामपुर के बिलासपुर में दरोगा और सिपाही पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बता दें कि रेत से भरी ट्रॉली छोड़ने के बदले 20 से 25,000 रुपए लेने का ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसकी शिकायत एसपी रामपुर को पत्र देकर की गई है। अभी पीछे लॉकडाउन में एक ट्रॉली पकड़ ली थी रेता बजरी की इस तहसीलदार ने। अच्छा, उससे मोहन सिंह की ट्रॉली थी, नायब तहसीलदार ने पकड़ी थी, रेत से भरी हुई थी। उस इसी सिपाही ने, जितेंद्र कुमार ने और मदन पाल दरोगा ने उस रेत की ट्राली के 20 से 25,000 रुपए मांगे थे, और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, रिकॉर्डिंग में पैसे मांग रहे हैं खुलेआम 20 से 25,000 दोनों दिन, उन्होंने पैसे लेकर छोड़ भी दी सर। यूपी में पीलीभीत के पूरनपुर में शारदा सागर धाम से निकलने वाली खारजा नहर रामपुरा फकीरे और प्रसादपुर के बीच ओवरफ्लो होने से खेतों में पानी भर गया है, जिससे खेतों में धान और गन्ने की फसल जलमग्न हो गई है। सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनजीत सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर खुद ग्रामीणों के साथ बचाव कार्य किया। हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के आधार पर एक गरीब महिला के दोनों कूल्हे बदल महिला को फिर से अपने पैरों पर चलने की आजादी दी है। बता दें, महिला की ये सर्जरी मानवता अस्पताल में की गई है। ये महिला अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी और इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज करा सकती, लेकिन बीजेपी सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना ने इस महिला के सपने को पूरा कर दिखाया और आज ये महिला अपने पैरों पर फिर से चल सकती है। हमारे पास आज से 15 दिन पहले एक महिला आई थी, 33 साल की महिला, मेवात क्षेत्र को की रहने वाली थी। उसके दोनों कूल्हों में काफी लंबे समय से दर्द था और वो चलने में असमर्थ थी। तो जब ये हमारे पास आई थी 15 दिन पहले, तो ऑलमोस्ट वो स्ट्रेचर पे आई थी, एक कदम भी रख नहीं पाती थी जमीन पे। तो जब हमने एक्सरे कराया गया, एक्सरे में देखा गया कि उसके दोनों कूल्हे बिल्कुल खराब हो चुके हैं, और उसको हमने पेशेंट को बताया कि ये दोनों कूल्हों का ऑपरेशन से ही इलाज हो सकता है, दवाइयों से कोई इलाज नहीं है। तो जब मरीज को हमने बताया कि इसका हिप रिप्लेसमेंट ही इलाज है, मरीज उसके लिए रेडी हो गया। मरीज को हमने आयुष्मान कार्ड में उसको हमने भर्ती किया, उसका हमने पहले राइट वाला कूल्हा बदला, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, हाइब्रिड हिप रिप्लेसमेंट किया, जिसमें हम लोगों ने अनसीमेंटेड एस्टेबुलम कप लगाया और फीमोरल स्टेम सीमेंटेड किया। मरीज को अगले दिन ही हमने एक घंटे में ऑपरेशन खत्म हो गया। अगले दिन ही मरीज को हमने पूरे वजन से मरीज सफलतापूर्वक चल पा रहा था। मैं 3 साल से बीमार हूँ, बहुत हॉस्पिटल में डोली, कोई ना उठी ना, फिर यहाँ आया मानवता हॉस्पिटल। इनको धन्यवाद, इन्होंने मेरा बहुत बहुत आराम किया, और इन्हें बोले पैसा नहीं, मैं आयुष्मान कार्ड से कराया है। यूपी के कौशाम्बी में गोकराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर चौकी से महज 100 कदम की दूरी पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में दोनों तरफ से महिलाओं समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं किसी ने चुपके से मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वहीं एसपी अभिनंदन ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया। उनके निर्देश पर एक पक्ष से 4 और दूसरे पक्ष से 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मेडिकल के लिए भेज दिया है। प्रकरण इस तरह का संज्ञान में आया है गोकराज थाना क्षेत्र का, जिसमें दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विरोधात्मक कार्रवाई हो रही है, जैसा मेडिकल और चिकित्सा होगी उस हिसाब से कार्रवाई की। उत्तराखंड सरकार के निर्देश अनुसार उधम सिंह नगर के जिला प्रशासन ने सभी नगर ग्राम पंचायत और जिला पंचायत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं और मास्क का प्रयोग करें। वहीं दिनेशपुर नगर पंचायत में 9 वार्ड हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, स्वास्थ्य कर्मी और नगर पंचायत कर्मी संयुक्त रूप में सभी भागों में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहें। वहीं नगर पंचायत दिनेशपुर के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि हम हफ्ते में 2 बार सभी वार्डों में सैनिटाइजिंग का काम करा रहे हैं।